ये इलेक्शन ईयर है, 2018 जो है वो तब्दीली का साल है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मुकाबले में हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे की कीमत पे लड़ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस को उसमें नहीं घसीटना चाहिए। हमारे से ज़्यादा किसी को खुशी नहीं है कि हुकूमत ने अपना टाइम पूरा किया। लेट्स होप कि इलेक्शंस इंशाल्लाह टाइम पे हों, नई गवर्नमेंट आए, स्टेबल आए। 2018 तब्दीली का साल, हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पर इजहार मुसर्रत, बर वक्त इंतखाबात चाहते हैं। वक्त के साथ फौज पर लगाए गए इल्जाम गलत साबित होते जा रहे हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर की प्रेस ब्रीफिंग। इंतखाबी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर सीटी बजते ही हलचल। मुल्क भर में कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज। एमएनए के लिए 30,000, एमपीए के लिए 20,000 फीस मुकर्रर। एक चौथाई से कम वोट लेने पर जमानत जब्त। किस हलके में कौन भारी, इलेक्शन की भरपूर तैयारी। जरदारी का NA 213, नवाब शाह और फरियाल तालपुर का NA 202 से इलेक्शन लड़ने का प्लान। बिलावल ने लाड़काना और लियारी के लिए कागजात हासिल कर लिए। आसपा ने कंबर शहदाद कोट और रत्तो डेरो का महाज संभाल लिया। गिलानी NA 158 से मैदान में। इलेक्शन में दिलचस्प मुकाबले मुतवक्के। नुसरत सहर अबासी को खुर्शीद शाह से सियासी पेचे का शौक। जावेद हाशमी ने NA 155 मुल्तान के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। जमशेद दस्ती कौमी असम्बली के 3 और PP 276 से किस्मत आजमाई के लिए तैयार। खिलाड़ी भी सियासी पिच पर, शाह महमूद NA 156, परवेज खटक NA 25, PK 61 और PK 64 से उम्मीदवार। असद उमर NA 54, फैसल बाबडा NA 249 और यास्मीन राशिद NA 125 लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए पुरज। निसार की नाराजगी बरकरार, पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्त नहीं दी। दोस्त है, मांगे या ना मांगे टिकट जरूर मिलेगा। शहबाज शरीफ को जल्द गुस्सा खत्म होने का यकीन। इंतखाबात में ताखीर नहीं होने देंगे, चीफ जस्टिस का फिर पैगाम। इलेक्शन कमिश्नर रियाज सादिक की अपीलों पर लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। अब फॉर्म में तब्दीली इतना आसान नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। पख्तूनख्वा में निगरान वजीर आला कौन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास कल तलब। पंजाब बलूचिस्तान का मामला पार्लिमानी कमेटियों के हवाले। निगरान वफाकी काबीना कल हल्फ उठाएगी। ऐवान सदर में तकरीब की तैयारियां। अबूरी वजीर आजम नासरुल मुल्क की इंतखाबात के लिए दरकार फंड फराहम करने की हिदायत। पैराशूट से आए बिलावल पाकिस्तानी सूरत हाल से नावाकिफ। इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की फतह का दावा। कामयाबी के बाद कमजोर इदारों को ताकतवर बनाएंगे। नवाज शरीफ को फौज ने वजीर आला और वजीर आजम बनाया। इमरान खान का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। जुल्म खुदा का कि आप ईमेल्स हैक कर रहे हैं मेरी, जो कि एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड क्राइम है, और ये हमजा अब्बासी साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी, ईमेल में भी उन्होंने लिखा है कि जी एजेंसीज हैक कर रही हैं, हमारे हैकर्स हैक कर रहे हैं, फिर टीवी पे भी जाके वो ये कह रहे हैं। बेचारा ये जेल चला जाएगा इस तरह से। हमजा अब्बासी के जेल जाने की पेशगोई। किताब के लिए शहबाज शरीफ से पैसे लेने का इल्जाम मुस्तरद। चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील। इमरान खान ने शादी छुपाई, सादिक और अमीन नहीं। रेहम खान की दुनिया न्यूज से गुफ्तगु। PTI वालों और कौम से भी सवाल। जो इंसान एक ईमेल ना सही तरह से चला सके, वो क्या मुल्क चला सकते हैं?
जो शख्स एक चीफ मिनिस्टर केयर टेकर का नाम बता ना सके, क्या वो मुल्क चला सकता है? रेहान खान की किताब ने आने से पहले ही पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। जुल्फी बुखारी पर खातून के इसकाते हमल, अनीला खाजा पर इमरान खान के साथ ताल्लुकात, वसीम अकरम की मरहुमा अहलिया और एजाज रहमान पर भी मुबैना इल्जामात, चारों शख्सियात का कानूनी नोटिस। दो महीने के बाद आपकी हुक्मरानी होगी पाकिस्तान में, इंशाल्लाह नवाज शरीफ दोबारा आएगा, ये नौजवान, ये बुजुर्ग, ये बहने ये फैसला वापस करवाएंगे इंशाल्लाह। नवाज शरीफ को अब भी आने का यकीन, वोट को इज्जत दो का मतलब गो इमरान गो करार, अगर आप वोट की पर्ची फाड़ी तो मिसाली सजा देंगे। नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में खिताब, कारकुनों को धांधली के सामने डटने की तलकीन, मरियम ने भी तड़ी लगा दी। अगर धांधली करने की कोशिश की तो याद रखना कि जो नवाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर आ सकता है जीटी रोड पर, तो वो फिर लाहौर से इस्लामाबाद भी जा सकता है। एहतसाब अदालत का लंदन फ्लैट्स रेफरेंस का पहले फैसला देने का इंदिया, नवाज शरीफ के वकील का आला अदालत से रिजू करने का ऐलान, गल्फ स्टील के 25% शेयर्स की फरोख का मुआहिदा जाली और स्क्रैप की जद्दा मुंतकली का दावा गलत था, वाजिद ज़िया का बयान। निहाल का गर्मी में बुरा हाल, नवाज शरीफ से हाथ मिलाना महाल, सिक्योरिटी अहलकारों ने साबिक सेनेटर को रोक दिया। पानी करप्शन केस, कानूनी टीम के मशवरे पर शहबाज शरीफ की नैब में अदम पेशी, सवालों के जवाब भिजवा दिए, 25 जून को दोबारा तलबी। पंजाब सरकार ने जाते जाते भी 56 कंपनियों को नवाज दिया, मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इंकशाफ, दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट ने हुकूमत को नोटिसेस जारी कर दिए। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, एहतसाब अदालत ने आहद चीमा और शाहिद शफीक समेत दीगर मुलजिमों के जुडिशियल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी, तफ्तीश की रिपोर्ट तलब। मंजूर पश्तीन और मोहसिन दावर से मुलाकात में मसाइल हल किए गए, तावुन का यकीन भी दिलाया गया, बाद में न जाने ये किस रास्ते पर निकल पड़े, तमाम दहशत गर्द पश्तून नहीं, तकरीबकारों का मजहब या लसानी पहचान नहीं होती, DGISPR की मीडिया ब्रीफिंग। एक कराची का रहने वाला जवान है, वो तीरा वैली में अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर ड्यूटी दे रहा है, क्रॉस बॉर्डर फायर आता है, अपनी चेस्ट आगे करके उसके ऊपर गोली लेता है, चेक पोस्ट के ऊपर जो है वो एक जवान खड़ा है, ख्वाब पुलिस का है ख्वाब फौज का है, क्यों खड़ा है चेक पोस्ट पर? क्या वो चेक पोस्ट पर इसलिए खड़ा है कि उसकी जान को खतरा है, या वो चेक पोस्ट पर इसलिए खड़ा है कि अगर जो खतरा है वो उसके ऊपर से गुजर के फिर अंदर जाए? असद दुरानी ने NOC लिए बगैर किताब लिखी, रिटायरमेंट के बाद वाले वाकयात का जिक्र किया, फौज में गलती की माफी नहीं, DGISPR की गुफ्तगु। कालाबाग डैम बनाओ मुहिम की सुप्रीम कोर्ट में भी गूंज, चीफ जस्टिस का डैम और पानी से मुतालिक तमाम मुकदमात आइंदा हफ्ते मुकर्रर करने का हुक्म, मुतालिक अफराद तैयार हो जाएं, चीफ जस्टिस की वार्निंग। कोर्ट का बड़ा फैसला, मियानी साहब कब्रिस्तान के अहातों में तमाम घर मिसमार करने का हुक्म, खिलाफ वर्जी करने वालों को एक माह के लिए जेल में डाल दिया जाए, जस्टिस अकबर अली कुरैशी की हिदायत, दुनिया न्यूज की कोशिशों की तारीफ। अटक में मोटरवे इंटरचेंज पर अलमनाक ट्रैफिक हादसा,
ٹرک اور وین کی ٹکر، 8 افراد جاں بحق، 7 زخمی اسپتال منتقل۔ لاہور کی نشتر کالونی میں اغوا اور زیادتی کے بعد 6 سالہ بچے کا قتل، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے قریبی رشتہ دار گرفتار، ملزم کی نشاندہی پر لاش برآمد۔ کراچی کی ریلوے کالونی میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، بنیر میں ایف سی کیمپ پر حملے سمیت کئی وارداتوں میں ملوث دہشت گرد گرفتار۔ جتنے کام وزیر بلوچ نے کروائے کا مقابلہ کر لیں، سب کو ایک موقع دو افریقہ کی طرح، تاکہ لوگ پیش ہوں اور معافی مانگیں۔ وزیر بلوچ کے قریبی ساتھی حبیب جان کی 5 سال بعد کراچی آمد، پیپلز پارٹی سے ناراضگی کا اظہار، ذوالفقار مرزا، مصطفیٰ کمال اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے ملاقات کا اعلان۔ گواٹیمالا میں آتش فشاں پھٹنے سے تباہی، 25 افراد ہلاک، سینکڑوں زخمی، راکھ اور دھوئیں سے 17 لاکھ افراد متاثر، ہزاروں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی۔ کابل میں پھر دہشت گردی، دہشت گردوں کے خلاف فتوے کے لیے اجلاس کے بعد دھماکہ، 7 علماء اور 4 اہلکاروں سمیت 14 افراد جاں بحق، 17 زخمی، پاکستان کا اظہار مذمت۔ اردن میں ٹیکسز بڑھانے پر عوام مشتعل، عمان میں 4th روز بھی مظاہرے، وزیر اعظم کو استعفیٰ دینا پڑ گیا، شاہ عبداللہ نے وزیر تعلیم کو حکومت بنانے کی دعوت دے دی۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے 2018 کو تبدیلی کا سال قرار دے دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس بریفنگ کے دوران ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی مدت پوری کرنے پر فوج سب سے زیادہ خوش ہے، وقت کے ساتھ الزامات غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ 2018 تبدیلی کا سال ہے، یہ کہنا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی مدت پوری ہونے پر وہ خوش ہیں اور بر وقت انتخابات چاہتے ہیں، وقت کے ساتھ فوج پر الزامات غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ الیکشن ایئر ہے 2018 جو ہے وہ تبدیلی کا سال ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے مقابلے میں ہیں، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور ایک دوسرے کی قیمت پہ لڑنا ہے، سیکیورٹی فورسز کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ لیکن ایک بات پہ ہمیں افواج پاکستان ہونے کے حیثیت سے خوشی بھی ہوتی ہے کہ جو جو الزام لگتا رہا ہے اس پولیٹیکل کنٹیسٹیشن میں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ غلط ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ 120 میں الیکشن نہیں ہوں گے، سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے، الیکشن ٹائم پہ اناؤنس نہیں ہوں گے، حکومتیں ٹائم پورا نہیں کریں گی۔ ہمارے سے زیادہ کسی کو خوشی نہیں ہے کہ حکومت نے اپنا ٹائم پورا کیا۔ لیٹ می کنگریچولیٹ دی ایکس پارلیمنٹ آن دس اینڈ پیپل آف پاکستان آلسو دیٹ فورسز آف پاکستان آر ویری ہیپی کہ سیکنڈ کنزیکٹو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ نے اپنا ٹائم پورا کیا ہے۔ لیٹس ہوپ کہ الیکشنس انشاءاللہ ٹائم پہ ہوں، نئی گورنمنٹ آئے، اسٹیبل آئے اور وہ جو چیلنجز ہیں ملک کے وہ لے کے آگے چلیں۔ دیر آر چیلنجز۔ کس حلقے میں کون بھاری، الیکشن کی بھرپور تیاری شروع ہو گئی ہے۔ آصف علی زرداری NA 213 نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے، فریال تالپور NA 202 سے الیکشن لڑنے کا پلان بنایا ہے، بلاول بھٹو لاڑکانہ اور تیاری سے، جبکہ آصفہ بھٹو کمبر شہداد کوٹ اور رتو ڈیرو سے امیدوار ہوں گی۔ الیکشن میں دلچسپ مقابلے متوقع ہیں، نصر سحر عباسی کو خورشید شاہ سے سیاسی پیچے کا شوق، تو جاوید ہاشمی نے NA 155 ملتان کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لی ہیں۔ جمشید دستی قومی اسمبلی کے 3 اور PB، آپ کو بتائیں کہ PP 276 سے قسمت آزمائی کے لیے تیار ہیں۔ کھلاڑی بھی سیاسی پچ پر، شاہ محمود NA 156، اسد عمر NA 54 سے الیکشن لڑیں گے۔ جی ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیصل وابڈا NA 249، یاسمین راشد NA 125 سے امیدوار ہوں گی، پرویز خٹک NA 25، PK 61 اور PK 64 سے امیدوار ہوں گے۔ تو کون کس حلقے میں بھاری ہے، آپ کو بتا رہے ہیں آصف علی زرداری NA 213 نواب شاہ سے الیکشن لڑیں گے، جبکہ فریال تالپور NA 202 سے الیکشن لڑنے کا پلان بنا چکی ہیں۔ اور ریحام خان نے کہا ہے کہ حمزہ عباسی نے ان کی ای میل ہیک کی ہے، یہ بچہ جیل چلا جائے گا۔ لندن میں دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے شادی چھپائی، وہ صادق اور امین نہیں رہے۔ ریحام نے کتاب کے لیے شہباز شریف سے پیسے لینے کا الزام بھی مسترد کر دیا اور چیف جسٹس سے صورتحال کا نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔
जो इंसान एक ईमेल ना सही तरह से चला सके वो क्या मुल्क चला सकता है? जो शख्स एक चीफ मिनिस्टर केयर टेकर का नाम बता ना सके क्या वो मुल्क चला सकता है? अगर हमजा बासी ये समझते हैं ये बच्चा है बेचारा और इसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये बातें कर रहा है, जो थ्रेट्स दे रहा है और कह रहा है कि भी मेरे पास किताब है, बेसिकली वी हैव टेकन लीगल एक्शन ऑलरेडी और अब हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे। मैं चीफ जस्टिस साहब से चाहूंगी कि उसके ऊपर सुओ मोटो लें, उनको नोटिस लेना चाहिए कि हमजा बासी ने क्या कहा है, फवाद चौधरी ने क्या कहा है, और ये अगर इन्होंने चोरी की है तो उनकी चोरी पकड़े, फ्रॉड किया है तो फ्रॉड पकड़े, अगर वो कह रहे हैं हैकिंग की है तो ये हैकिंग पकड़े। आप ये लें और आप खुद क्लिक करें हमजा अलियाबासी के, आपको जहाँ जहाँ नाम आ रहे हैं आप बेशक, ये मेरा अकाउंट है, आप इसमें हमजा अब्बासी ये सारी खुली हुई है, कोई भी खोल के देख लीजिए। 15th August 2017 को उन्होंने लिखा है, ओके डिलीट माई ई मेल आफ्टर रीडिंग, दे हैव योर ई मेल्स, अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ डेटा फ्रॉम योर जी मेल प्रोवाइडेड बाई सम एजेंसी और हैकर्स, आई डोंट नो, दे वॉन्टेड टू गो पब्लिक आफ्टर रिट्रीविंग दैम, डू प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्सेट्रा, बट आई के स्टॉप दैम, आई गेस ही सेविंग दैम फॉर इफ यू एवर गो ऑन अ मलाइन आई के कैंपेन, दोज आर पर्सनल ई मेल्स ऑफ सेंसिटिव नेचर एंड ट्रस्ट मी दे आर रियल हैक्ड, दे हैव अ लॉट ऑफ लेवरेज अगेंस्ट यू, सो रिमेन वेरी केयरफुल इन वट एवर यू डिसाइड अगेंस्ट पी टी आई इन फ्यूचर, नाउ डिलीट दिस ई मेल इमीजिएटली, आई ट्रस्टेड यू रिमेंबर। तो मैंने उनको आगे जवाब ये दिया है, मैंने कहा जो कुछ आपके पास है पब्लिश करें, मेरे बारे में जो कुछ है पब्लिश करें। जुल्म खुदा का कि आप ईमेल्स हैक कर रहे हैं मेरी, जो कि एक इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड क्राइम है, और ये हमजा अब्बासी साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जी ईमेल में भी उन्होंने लिखा है कि जी एजेंसीज हैक कर रही हैं, हमारे हैकर्स हैक कर रहे हैं, फिर टीवी पे भी जाके वो ये कह रहे हैं, बेचारा ये जेल चला जाएगा इस तरह से, जो ये बातें कर रहा है, जो थ्रेट्स दे रहा है और कह रहा है कि भी मेरे पास किताब है, 100,000 pounds का आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी स्पेसिफिकली मैं प्रूव कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ ने लिए हैं, तो हमने तो बेसिकली वी हैव टेकन लीगल एक्शन ऑलरेडी और अब हम इनको कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने सारी दुनिया के साथ ये किया है, इनको आदत हो गई है कि किसी के किसी को चोर कहना, किसी को करप्ट कहना, रेहम खान के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। मरियम नवाज ने कहा कि बंदियाल साहब को पार्टी में ले लें, मरियम नवाज ने कहा कि जी आपको ये नहीं पता कि खोसा साहब कौन से वाले खोसा साहब हैं, मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि शादी कर लें, तलाक कर लें, तीसरी शादी कर लें, नहीं तो अगर, और ये मरियम नवाज शरीफ ने आपको कहा या शहबाज शरीफ ने आपको कहा कि आप ये किताब के बारे में किताब को प्रमोट करें? रेहम खान की किताब तो मंजर आम पर नहीं आई, मगर एक भोंचाल जरूर आ गया। रेहम खान को आने वाली किताब में मुबैन इल्जामात पर कानूनी नोटिस भिजवा दिए गए हैं। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी, क्रिकेटर वसीम अकरम, पार्टी रहनुमा अनीला खाजरा और साबिक शौहर इजाज़ुर रहमान इल्जामात की जद में आ गए। रेहम खान की किताब तो मंजर आम पर नहीं आई, मगर एक भोंचाल जरूर आ गया है। रेहम खान की आने वाली किताब में मुबैन इल्जामात पर कानूनी नोटिस भिजवा दिया गया। इमरान खान के दोस्त जुल्फी बुखारी समेत दीगर पर इल्जामात लगाए गए। दुनिया न्यूज में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।